सो अगर आप लोग बहुत टाइम से जो है एक्नेज एंड पिंपल से सफ़र कर रहे हैं एंड आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं एंड कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है एंड उसके बाद आपके डॉक्टर ने या आपने ओवर द इंटरनेट सर्च किया है आइसोट्रेटिनोइन या एक्यूटेन के बारे में और आप उसे लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पास्ट में मैंने आइसोट्रेटिनोइन के बारे में काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं डिटेल के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करी है। सो आज की इस वीडियो जो वीडियो है डिटेल में नहीं होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर आप आइसोट्रेटिनोइन लेना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से आप ले रहे हैं तो क्या आपको लेना चाहिए, या आपने अगर आप लेने का सोच रहे हो तो क्या आप गलत डिसीजन ले रहे हो। सो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आइसोट्रेटिनोइन या जो एक्यूटेन है वो एक्चुअल में करता क्या है। सो देखिए, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्नेज़ पिंपल्स होते हैं तो मोस्टली आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ठीक है। तो आइसोट्रेटिनोइन करता क्या है, ये आपके सेबेशियस ग्लैंड्स है जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे फेस पर जो ऑयल होता है, तो ये क्या करता है, जो इनका ऑयल प्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और इनडायरेक्टली ये आपके हार्मोनल इम्बेलेंस पर जो है वर्क करता है। सो कई बार होता क्या है, आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, आप बहुत अच्छा जो है स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, स्टिल आपके जो है एक्नेज पिंपल्स नहीं जा रहे होते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपको हार्मोनल इंबैलेंस का इश्यू हो सकता है। अब ये जो हार्मोनल इंबैलेंस है इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको बार बार जो है एक्नेज पिंपल्स रिपीट होते रहेंगे। तो आइसोट्रेटिनोइन क्या करता है, आपके उस हार्मोनल इंबैलेंस को जो है फिक्स कर देता है इनडायरेक्टली, और आपके जो सेबेशियस जो ग्लैंड्स हैं उनको बोल देता है कि बस ज़्यादा ऑयल्स आपको प्रोड्यूस नहीं करने, बोलता नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। सो होता क्या है, आपके सेबेशियस जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन को जो हो रहा होता है आपकी स्किन में नेचुरली उसको कम कर देते हैं, और आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो धीरे धीरे फिक्स होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके एक्नेज 1 से 2 महीने बाद में जो है कम होने लग जाते हैं। तो इस तरह से आइसोट्रेटिनोइन वर्क करता है, और इसका कोई पर्जिंग फेज भी होता है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है। सो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां पे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा उन वीडियोस को। तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सिर्फ अपना हार्मोनल इंबैलेंस फिक्स करना है, या आपको अपनी स्किन को जो ज़्यादा ऑयली ऑयल प्रोड्यूस कर रही है उससे आपको थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है, तो क्या आपको एक्चुअल में ज़रूरत है एक आइसोट्रेटिनोइन जैसे ड्रग की? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप अपना हार्मोनल इंबैलेंस फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, तो सभी के लिए जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ कि हार्मोनल इंबैलेंस का सिम्टम क्या होता है। तो हार्मोनल इंबैलेंस का सिम्टम ये होता है, आपको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आपको एक्नेज हो सकते हैं, आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जो है थकान फील हो सकता है, आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होता है ना, आपके जो टमी एरिया है, स्पेशली मैं मैन की बात कर रहा हूँ, जो आदमी है, ठीक है, तो उनके साथ होता क्या है, जो टमी एरिया है उसमें फैट की लेयर बहुत ज़्यादा जो है मोटी होने लग जाती है, आपकी टमी के एरिया में जो है ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्मोनल इंबैलेंस का। फीमेल्स में क्या होता है, उनके पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा उन्हें पेन होता है, कई बार उनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है उनके फेस पे जो है फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है जो है हार्मोनल इंबैलेंस का। तो इसे फिक्स करने के लिए बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेन हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं गोक्षुरा, ठीक है, शिलाजीत आप ले सकते हैं, ठीक है, आप जो है सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ ये आपके जो है हार्मोनल इंबैलेंस को भी फिक्स करेगा, ठीक है। अपनी एक डाइट को सुधार के, अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें जैसे कि सीड्स हो गया, नट्स हो गया, अच्छा अमाउंट में आप प्रोटीन ले सकते हैं, उसके थ्रू आप जो है अपना हार्मोनल इंबैलेंस जो है फिक्स कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, वर्कआउट का टाइम नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करके भी आप जो है अपने हार्मोनल इंबैलेंस को फिक्स कर सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी ड्रग को लेने के लिए। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स में अगर आप हैं तो आप शतावरी ले सकते हैं, ठीक है, तो शतावरी बहुत अच्छी होती है हार्मोनल इंबैलेंस के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिरप्स अवेलेबल हैं आयुर्वेदिक, जो कि बहुत सस्ते हैं, आपके हार्मोनल इंबैलेंस को फिक्स कर सकते हैं, एंड सेम वर्कआउट डाइट सब जो है फीमेल्स जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हार्मोनल इंबैलेंस को विदाउट एनी मेडिकेशन जो है फिक्स कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज आप आइसोट्रेटिनोइन कब तक ले लोगे, आप 5 महीना ले लोगे, 6 महीना ले लोगे, साल भर ले लोगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो बॉडी है वो इम्यून हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी क्या है बहुत जल्दी हैबिचुअल हो जाती है चीज़ों के लिए। तो अगर आप किसी मेडिकेशन को बहुत टाइम से, लंबे टाइम से जो है यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक बॉडी अपनी एक इम्यून
हो जाएगी आपकी बॉडी एंड उसका फिर आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो एक साल बाद, 6 महीने बाद आइसोट्रेटिनोइन भी आपके कोई काम का नहीं होने वाला। एंड अगर आपने अपने रूट कॉज को, सपोज आपको हार्मोनल इम्बेलेंस है, उसे फिक्स नहीं किया तो आपके एक्नेस वापस रिपीट हो जाएंगे। एंड बहुत सारे जो लोग हैं जो कि पास्ट में जो है एक्यूटेन ले चुके हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जब वो बंद करेंगे आइसोट्रेटिनोइन, उनके एक्नेस एंड पिंपल्स वापस आने वाले हैं। तो एट द एंड आपको एक ना एक दिन अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पान, अपना जो है वर्कआउट, अपना जो है डेली रूटीन आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। सो व्हाई नॉट आप एक साल बाद वो जो चीज़ करने वाले हैं वो आप एक साल पहले ही करें, ताकि आपको आइसोट्रेटिनोइन भी नहीं लेना पड़े, बिकॉज इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, बहुत सारा आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, किसी किसी के जो है लीवर में प्रॉब्लम होने जाती है, फैटी लीवर का इशू हो सकता है, किसी किसी का डाइजेशन खराब हो सकता है, किसी किसी को जो है हेयर फॉल हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं इसके, एंड और भी सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। जब आप उस चीज़ को नेचुरली फिक्स कर सकते हो विदाउट एनी मेडिकेशन, तो आपको क्यों ज़रूरत है आइसोट्रेटिनोइन की? लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इवन मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बाय करना चाहते हो आइसोट्रेटिनोइन आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि एक्चुअल में क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। सो अगर आपका मन बोलता है कि हाँ ज़रूरत है, तब आप लीजिएगा। जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आपको दिन शुभ रहे।